हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम है अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्स पे, जहां पर हम एजुकेटर्स आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आने की कोशिश करते हैं. गाइस, तो माय नेम इज अभिजीत मिश्रा और आप देख रहे हैं दुनिया का बेस्ट करंट अफेयर्स शो, बिकॉज हमारे पास बेस्ट करंट अफेयर्स के बच्चे भी. चलिए गाइस, आज 10 AM पे हम करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड बैंकिंग अवेयरनेस का एमसीक्यूज. 10 AM पे शार्प, जहां पर आपको आना है. तो सेशन को शुरू करते हैं गाइस. तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, 31st से IBPS PO mains का बैच शुरू हो रहा है और इंश्योरेंस अवेयरनेस का भी बैच शुरू हो रहा है, और 4th नवंबर से आपका RRB PO का इंटरव्यू का बैच शुरू हो रहा है. ये तीनों बैच आप मेरे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर. कैसे? आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप होना चाहिए, डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए. इंस्टॉल करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है चूज योर गोल, आपके गोल क्या है, जहां पर आपको बैंक एग्जाम पे क्लिक कर देना है, जिससे कि आप हमारे जोन में आ जाएंगे, बैंकिंग के जोन में आ जाएंगे. उसके बाद आपके सामने ऑप्शंस होगा कि आप हमारा कोर्स कैसे ज्वाइन करना चाहते हैं. गाइस, मैं आपसे 2 मिनट लूंगा थोड़ा सा, और मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं गाइस कि अगर मैं होता आपकी जगह पे, हम लोग के टाइम पर ऐसा नहीं था. हम लोग के टाइम पर हमारे पास इतने मल्टीपल ऑप्शंस नहीं होते थे. आप जहां पर हो, मान लीजिए आप दिल्ली गए, वहां पर क्वांट का बंदा तो ठीक है, बट रीजनिंग का बंदा उतना अच्छा नहीं है, इंग्लिश का नहीं, तो आप दूसरी जगह या फिर तीसरी जगह एडमिशन लेते हो, दिक्कत होती है. अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर एक चीज की खासियत यह है कि अनअकैडमी ने सारे एजुकेटर को एक जगह पे लाके रख दिया, और अनअकैडमी में दूसरी स्पेशलिटी है कि आप किसी एक एजुकेटर को अगर फॉलो करते हो तो बाय डिफॉल्ट आप अनअकैडमी प्लस के सारे एजुकेटर को फॉलो कर सकते हो, बिकॉज यहां पर सिस्टम ऐसा है. अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हो, आप पेमेंट कर दो, पेमेंट होते ही क्या होगा, आपके लिए सारे एजुकेटर के जो दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे. आप किसी का भी कोर्स देख सकते हो. मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मुझे क्वांट के टॉप 5 एजुकेटर इंडिया लेवल के मिल जा रहे हैं, मैं कहीं और क्यों जाऊंगा. अगर मुझे उसी के साथ साथ टॉप रीजनिंग, टॉप GA, टॉप इंग्लिश के एजुकेटर मिल जा रहे हैं, मेरे लिए सोने पर सुहागा हो गया. तो यही अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ने किया है. मैं यहां पर एम्प्लॉई हूं इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, बट मैं अनअकैडमी को थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक इनोवेटिव वे किया कि बच्चे आकर एक जगह पे पढ़ सकते हैं. हर एजुकेटर के पास अपने अपने बच्चे हैं, तो अगर आप सारे एजुकेटर को फॉलो करते हो तो आपको मालूम चलता है कि यार कॉम्पिटिशन का लेवल कहां पे, आप कहां पर हो, कॉम्पिटिशन कहां पे जा रहा है. अनअकैडमी का यह बड़ा फायदा. तो अनअकैडमी को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, 1 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, वो आपके ऊपर होता है कैसे आप ज्वाइन करोगे. देखिए, तो अगर आप 12 मंथ के लिए अनअकैडमी को ज्वाइन करते हो तो आपकी फीस पड़ेगी 6000. आपकी फीस पड़ेगी 6000, लेकिन आपको 6000 पे करना नहीं होता है. आपको करना क्या होगा, यहां पर AMLIVE, ये मेरा कोड है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर पूरा. ये हमेशा नाराज हो जाता है मुझसे. चलिए, तो हमारा कोड है AM Live कोड. आप अप्लाई कर देंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. बस अभी तुरंत ठीक हो जाएगा हमारा काम जी. तो यहां पर ये बात आप देख लीजिए, तो AM Live कोड आपको अप्लाई करना है, और अप्लाई करते ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, और डिस्काउंट मिल जाएगा तो क्या, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ये मेरा कोड है गाइस, AM Live कोड. ठीक है, इसके थ्रू एडमिशन लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है. ठीक है, 10% का आपको डिस्काउंट मिलता है. जैसे फीस 6000 की है तो आपको कितनी पड़ेगी, 5400 की पड़ेगी. ये भी थोड़ा आप देख लीजिएगा. ठीक गाइस, आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं अब. हाँ गाइस, हमारे पास 2 साल का मॉडल भी है. अगर आप 2 साल का मॉडल चूज करते हैं, AM Live कोड डालते हैं, तो आपको ये डिस्काउंट हो जाएगा, और डिस्काउंट होकर आपको कितना पड़ेगा, ये 8640 रुपए का पड़ेगा. ध्यान दीजिएगा गाइस. तो अगर हम बात करें क्या, अगर हम बात करते हैं अपने करंट अफेयर्स की, तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं. थोड़ा सा बोर्ड में दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि लिखना है इसमें, तो थोड़ा सा हमें मैनेज करना पड़ेगा. चलिए गाइस, तो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम आगे बढ़ेंगे. 29th अक्टूबर करंट अफेयर्स की बात करेंगे, और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अपने मोटिवेशनल कोट की, और हमारा मोटिवेशनल कोट आपके सामने आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा. कीप गोइंग, एवरीथिंग यू नीड विल कम टू यू और एट द परफेक्ट टाइम. तो कहने का मतलब क्या है, ये बात उन सारे बच्चों के लिए है जो कि सिलेक्शन नहीं ले पाते, जो कि रुक जाते हैं. रुकने का मतलब क्या हुआ, रुकने का मतलब यह हुआ कि गाइज, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो इसमें बहुत दुखी होने की बात तो है, लेकिन मेरी बात समझिएगा, यहीं पर एक अंतर पैदा होता है कि आपको क्या करना है, आपको क्विट कर देना है, आपको चलते रहना है. यह तो तय है कि एवरीथिंग यू नीड विल कम टू यू एट द परफेक्ट टाइम. टाइम जब आपका आएगा तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा. अब टाइम का मतलब क्या हुआ, जब आपकी सारी कमियां दूर हो जाएंगी. गाइस, मेरी एक बात समझिएगा,
चीजों को इस तरह से आप देखिए कि अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके ऊपर कितने एक्सपेक्टेशंस लगे हुए हैं। आपके फैमिली के एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा आपके लिए मैटर करने चाहिए। मतलब मेरी बात समझिए, सोच समझिए इस बात को, अगर हम फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते तो हम यहां पर ना होते शायद। यानी कि हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, हमें जॉब करनी है, हमें अपने फ्यूचर को आगे लेके जाना है। जरा फ्यूचर के बारे में सोचिएगा एक बार, अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो क्या होगा? अगर आपकी जॉब नहीं लगेगी तो क्या होगा? ऐसा नहीं है कि आप रास्ते पर आ जाओगे, आप कुछ ना कुछ कर लोगे, लेकिन वो कुछ ना कुछ क्या होता है बेटा पता है ना? जस्ट लाइक आपकी पैसेंजर ट्रेन, हर स्टेशन पे रुकेगी, गंदगी, बदबू, मतलब मेरी बात समझिए, लाइफ भी वैसे ही रहेगी, ना कोई उत्साह, ना कोई उमंग, ना कोई खुशी, केवल टेंशन, टेंशन एंड टेंशन। और इस चीज को आप ओवरकम बस एक तरह से कर सकते हो, और जो कि आपके हाथ में है वो है पढ़ाई, वो है एजुकेशन, वो है डिटर्मिनेशन, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। और गाइस करना आपको ही है, करना आपको ही है। तो जो भी चीजें आपको रोक रही हैं, इधर बीच अगर आपका परफॉर्मेंस गिर रहा है, जो भी हो रहा है आप जानते हो, उसको दूर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। ये सब जहर है, विष है, त्याग दीजिए। और केवल आपको स्टडी करनी है गाइस, वरना इस दुनिया में कोई किसी का होता होता नहीं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। आपके पास पैसा है, आपकी इज्जत है। आपके पास पैसा नहीं तो आपकी इज्जत आपके घर वाले भी नहीं करेंगे। ये लाइफ का उसूल है, और जितने जल्दी आप लोग समझ जाएंगे उतने जल्दी आपके लिए अच्छा होगा गाइस। चलिए, मेरा मोबाइल खराब हो गया है तो मैं अपने सेशन को प्रमोट नहीं कर पा रहा हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी देख रहे हैं, आपके पास जो भी टेलीग्राम चैनल्स हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या फेसबुक, इंस्टाग्राम, प्लीज एंड प्लीज शेयर कर दीजिए और मुझे बताएं, ताकि मैं आपको पर्सनली थैंक्स कह सकूं। तो शेयर कर दें गाइस, क्योंकि मेरा ये नहीं हो पा रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने क्या है? तो हम बात करेंगे स्पोर्ट्स की। अच्छा, एक बात और, दीपावली हो गई और उसके बाद कल की बात हो गई। कल क्या था? सरस्वती शयन। कल पढ़ाई लिखाई होती नहीं है, न्यूज़पेपर भाई आया नहीं है, न्यूज है नहीं अपने पास, लेकिन मैंने जुगाड़ किया है कि मैं आपको काम भर का डोज दे दूं। तो आज न्यूज में थोड़ी कमी है हमारे पास, लेकिन फिर भी आपको नोट्स परफेक्ट मिलेगी। ये मेरा दावा है आपसे, ये मेरा वादा भी है आपसे। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं अपना सेशन, और स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे थे। पहला पॉइंट आपसे क्या बात कर रहे हैं, पहली बात हम आपसे कर रहे हैं वर्ल्ड डीप टेनिस चैंपियनशिप की। तो वर्ल्ड डीप टेनिस चैंपियनशिप, आई होप कि गाइस आप लोगों ने, आप लोग डीप का मतलब समझते हैं, यानी कि वर्ल्ड डीप टेनिस चैंपियनशिप की बात करें, टेनिस का यह टूर्नामेंट है। और यह किसने जीत लिया? इंडिया के पृथ्वी शेखर ने, इंडिया के पृथ्वी शेखर ने जीता है गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड डीप टेनिस चैंपियनशिप। तो आपको यह मालूम चल गया कि इंडिया के पृथ्वी शेखर ने जीता है वर्ल्ड डीप टेनिस चैंपियनशिप। अब दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि कौन सा मेडल? तो गोल्ड मेडल। तीसरा क्वेश्चन यह बनता है कि भाई ये वर्ल्ड डीप चैंपियनशिप हुई कहां पर, ये कहां पर हुई? तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, जो कि टर्की में हुआ। आइए आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हम दिखाते हैं। देखिए, चैंपियनशिप का नाम क्या है? वर्ल्ड डीप टेनिस चैंपियनशिप 2019, ये है नाम। अगर हेल्थ चेन की बात करें तो ये अतानलिया टर्की में हुआ, ये टर्की में हुआ, तो इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको हम दे रहे हैं, ये टर्की में हुआ। ठीक, एडिशन कौन सा है, मतलब वर्ल्ड डीप टेनिस चैंपियनशिप का ये कौन सा एडिशन था? तो ये दूसरा एडिशन था। विनर टीम का, विनर का नाम क्या? विनर है पृथ्वी शेखर, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने किसको हराया? इन्होंने चेक रिपब्लिक के जारोस्लेव सेमडेक को हराया। हालांकि ये नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी। तो गाइस, हम वर्ल्ड डीप टेनिस चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, अतालिया टर्की में हुआ, दूसरा एडिशन था, विनर नाम पृथ्वी शेखर और रनर अप जो है वो आपके सामने है। तो ये पहली इंफॉर्मेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। गाइस मेरी बात समझिएगा, ये टेनिस टूर्नामेंट जो होते हैं ना, ये हमेशा हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो अक्टूबर मंथ में जो जो टेनिस इवेंट हुए हैं उसका एक क्विक रिवीजन आपको हम करवा दे रहे हैं, और अगर आपको अच्छा लगेगा सेशन तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आइए आपको दिखाते हैं पूरी इंफॉर्मेशन। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉकहोम, स्टॉकहोम ओपन मेंस टेनिस टाइटल की, स्टॉकहोम ओपन मेंस टेनिस टाइटल की, जो कि स्वीडन में हुआ। और अगर हम बात करते हैं मेन सिंगल, तो मेन सिंगल डेनिस शापोवालोव ने जीता, डेनिस शापोवालोव ने, जो कि कनाडा के खिलाड़ी। तो स्टॉकहोम ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? डेनिस शापोवालोव ने जीता। मैं आपको यह इंफॉर्मेशन दे रहा हूं गाइस। डबल्स की बात करें तो ये सब इतने बड़े इवेंट्स नहीं है कि डबल्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए। मतलब क्या, अगर यूएस ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विम्बलडन है, तो डबल से क्वेश्चन आ सकते हैं। इन सब टूर्नामेंट के डबल से क्वेश्चन आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मतलब हमारे करंट अफेयर्स में आपको हम यह भी सिखाते हैं कि कौन सा पॉइंट आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, 2019 शंघाई मास्टर्स मेंस टेनिस टाइटल,
शंघाई मास्टर्स की बात करें, इसके पहले हमने स्टॉकहोम की बात की और अभी हम लोग शंघाई की बात करें, मतलब चाइना की बात कर रहे हैं। तो मैन सिंगल डैनियल मेदवेद ने जीता, इन्होंने किसको हराया, अलेक्जेंडर जेवरेव। डैनियल मेदवेद रशिया के हैं जबकि अलेक्जेंडर जेवरेव जर्मनी के, तो यह भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी, यानी शंघाई ओपन भी आपको रिविजन यहां पर हो गया। गाइस अगर आगे बढ़े तो चाइना ओपन की बात कर ले, चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट मैन सिंगल डोमिनिक थीम ने जीता, ऑस्ट्रिया के हैं ये, इन्होंने स्टेफन तसीपास को हराया जो ग्रीस के थे, ठीक है। तो डोमिनिक थीम ये आपको लर्न करना है। अगर चाइना में हम वुमेन्स की बात करें तो नाओमी ओसाका जापान की है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एसले बार्टी को हराया। तो चाइना ओपन की हम बात कर रहे थे, ये भी हमने आपको पढ़ा दिया, ये भी आपको पढ़ाया हुआ है, एक रिवीजन आपका हो गया, बढ़िया सा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगर बात करें हम लोग जापान ओपन की, तो जापान ओपन नोवाक जोकोविक ने जीता, ठीक है, ये भी याद कर लेंगे, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो हमने आपको रिवीजन कराया अभी तक टूर्नामेंट का। आगे बात करेंगे, दो इंपॉर्टेंट न्यूज आपको टेनिस की मुझे और देनी है। वो इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, इंडिया की रिया भाटिया की बात करें, इन्होंने आईटीएफ वुमेन्स टेनिस टूर्नामेंट जीता है, आईटीएफ वुमेन्स टेनिस टूर्नामेंट जीता है जो कि लागोस नाइजीरिया में हुआ। इन्होंने स्लोवेनिया की नस्तजा कुलार को हराया। रिया भाटिया की बात करेंगे, आईटीएफ वुमेन्स टेनिस टूर्नामेंट जीता जो कि लागोस में हुआ नाइजीरिया में, इन्होंने किसको हराया उसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। और इसके नीचे अगर हम बात करें, देख लीजिए, तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की फीमेल टेनिस प्लेयर एशले बार्टी जो कि नंबर वन रैंक पर भी है, एशले बार्टी को अभी ऑस्ट्रेलिया ने अवार्ड दिया, ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स हाईएस्ट इंडिविजुअल ऑनर द डॉन, जैसे नहीं हमारे यहां राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है द डॉन, तो द डॉन जो है वो कि ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट इंडिविजुअल ऑनर है, स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है द डॉन। और क्यों मिला, क्योंकि इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, एशले बार्टी। तो इसकी भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने गाइस, अगर आपको न्यूज अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस कर दे, हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट न्यूज के पास। तो यस कर दे ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए, हम और भी बेटर से बेटर कंटेंट देने की कोशिश करें। तो इस न्यूज से हमें काफी कुछ क्लियर हो गया टेनिस में कि इस बार अक्टूबर में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली है गाइस। और जो भी नए बच्चे आते जा रहे हैं सेशन को लाइक कर सकते हैं आप लोग, और मैं बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप लोग इसे शेयर कर सकें तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए गाइस आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे स्पोर्ट्स में आज के दूसरे न्यूज की, और दूसरे न्यूज में हम बात करेंगे ग्रैंड प्रिक्स की, मतलब फॉर्मूला वन का रेस की, और हम मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स की बात करने वाले हैं। ये पर्सन कौन है, नाम आप लोग जानते ही हैं, ये लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन ने इस बार का सीजन का अपना 10th खिताब जीत लिया है, और 10th खिताब कौन सा इनका है, मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स। तो लुइस हैमिल्टन वॉन द मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स 2019। आइए बात करते हैं इस पर, ठीक है। तो हम लुइस हैमिल्टन की बात कर रहे हैं, इन्होंने मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स जीता, इनकी नेशनलिटी क्या है, ये ब्रिटिशर्स हैं। ये किस कंपनी की कार चलाते हैं, ये मर्सिडीज की कार चलाते हैं। सेकंड नंबर पे कौन रहा, किसमें भाई, तो मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स में। तो दूसरे नंबर पे है आपके सेबेस्टियन वेटल, तीसरे पे वाल्टेरी बोटास, और चौथे पे चार्ल्स लेक्लेयर। लेकिन मैं आपको बताऊं, ना तो सेकंड, ना तो थर्ड, ना तो फोर्थ आपके एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जाएगा तो मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, तो लुइस हैमिल्टन, या फिर अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स जीता, ये कौन सा एडिशन है, ये आपका ये कौन सा जीत थी इनकी, तो ये इनकी 10वीं जीत है, ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए तो गाइस हम लोग क्या बात कर रहे थे, मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स की बात कर रहे थे, इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दी, और यहीं पर हमारा करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स का खत्म होता है, और हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिजनेस फाइनेंस और इकोनॉमी की। तो बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमी की गाइस हम बात करने वाले हैं, कौन कौन सी न्यूज हमारे पास है। गाइस देखिए, एनडीबी का मतलब आप लोग को पता होगा, हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहे हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक को हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। एग्जैक्टली मैं गाइस ब्रिक्स बैंक को क्यों बनाया गया उसके बारे में थोड़ी सी बात करें अगर, तो आपको पता है कि ब्रिक्स बैंक से पहले चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, इन सारे देशों को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ता है। लेकिन आपको बताया गाइस कि इसमें कोटा सिस्टम चलता है। कोटा का मतलब क्या हुआ, यूएस का अपना कोटा है, फ्रांस का अपना कोटा है, ब्रिटेन का अपना कोटा है, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो इंडियन या चाइना या फिर साउथ अफ्रीका इसको मिलता। तो चूंकि बात यह है कि जो ये आपके देश हैं, ब्रिक्स देश हैं,
रशिया को अगर आप छोड़ दें तो सारे के सारे देश जो हैं वो अभी ग्रोइंग इकोनॉमी में हैं और ग्रोइंग इकोनॉमी को पैसे की ज्यादा नीड होती है। तो वर्ल्ड बैंक को और आईएमएफ को एक सबक सिखाने के लिए, उसका सब्स्टिट्यूट रेडी करने के लिए इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील ने मिलकर अपना एक बैंक खोल दिया। कौन सा बैंक, नाम क्या है, ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक, तो ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई में, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई में है। तो अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्राजील और इंडिया के लिए दो प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है, दोनों को मिला जुला के 800 मिलियन डॉलर लोन दिए जाएंगे, ब्राजील को 500 मिलियन और इंडिया को 300 मिलियन। लेकिन जब आप इस न्यूज को पढ़ेंगे तो इस न्यूज में एक कॉमन चीज है कि दोनों देशों के लिए, दोनों देशों को क्लाइमेट के लिए, क्लाइमेट कंजर्वेशन के लिए लोन दिया गया, यानी ब्रिक्स बैंक चाहता है कि क्लाइमेट कंजर्वेशन इन सारे देशों में आगे बढ़े। आइए आपको पूरी न्यूज दिखाते हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दो नए प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिए हैं, ठीक, टोटल अमाउंट 800 मिलियन डॉलर ब्राजील के लिए और इंडिया के लिए। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाते हैं पूरी न्यूज। ठीक है, देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम लोग ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक विल प्रोवाइड अ लोन ऑफ 500 मिलियन यूएस डॉलर टू ब्राजील फॉर द फंडो क्लीमा। फंडो क्लीमा का मतलब क्या हुआ, ब्राजील नेशनल क्लाइमेट फंड प्रोजेक्ट। तो ब्राजील नेशनल क्लाइमेट फंड प्रोजेक्ट मतलब कि ब्राजील में क्लाइमेट कंजर्वेशन के लिए ये फंड यूज किया जाता है। जैसे नहीं, हमारे देश में बहुत सारे फंड है, फॉर एग्जांपल एनआईआईएफ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास इमरजेंसी फंड्स होते हैं, तो वैसे ही क्लाइमेट कंजर्वेशन के लिए एक फंड है जिसमें कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्राजील को 500 मिलियन यूएस डॉलर का लोन देने के लिए जा रहा है। तो वर्ल्ड बैंक ने, सॉरी, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्राजील को कितना अमाउंट दिया, 500 मिलियन डॉलर, और किस प्रोजेक्ट के लिए, तो ब्राजील नेशनल क्लाइमेट फंड प्रोजेक्ट के लिए। यह हमारी पहली पॉइंट। और दूसरे पॉइंट की बात करें, देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की एक कंपनी है, इंडिया की एक कंपनी है आरईसी लिमिटेड को 300 मिलियन डॉलर का लोन अप्रूव किया है टू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। और गाइस, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है, अक्षय ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, जस्ट लाइक आपका विंड पावर, सोलर पावर, ओशियन एनर्जी, हम उसकी बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी। तो आप दोनों को देखो ध्यान से, तो ये क्लाइमेट कंजर्वेशन के लिए ही है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक इंडिया को 300 मिलियन डॉलर का लोन दे रही है, एग्जैक्टली नॉट इंडिया, यहां पर इंडिया में कंपनी काम करती है आरईसी लिमिटेड, उसको ये देगी पैसा ताकि वो गवर्नमेंट का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में साथ दे पाए। जैसे फॉर एग्जांपल विजन फंड ने एलएनटी को 100 मिलियन डॉलर का लोन क्यों दिया था, फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो ये भी हमने आपको बातें बता दी। तो ये न्यूज हमारी यहां पर होती है पूरी। हम आगे बढ़ेंगे और आपसे बात करेंगे एशिया न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। अगर फाउंडर की बात करें तो ब्रिक्स कंट्रीज इसके फाउंडर है, मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसको 15 जुलाई 2014 में फाउंड किया गया था ब्राजील में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां पे, शंघाई में। और अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट कौन होंगे, इसके प्रेसिडेंट केवी कामत जी हैं अभी राइट नाउ। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहे हैं गाइस, हेडक्वार्टर शंघाई चाइना, फाउंडर ब्रिक्स बैंक, ब्रिक्स कंट्रीज, फाउंडेड 15 जुलाई 2014 और प्रेसिडेंट केवी कामत जी हैं। आपको इसके बारे में हमने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी गाइस। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आपसे नेक्स्ट न्यूज की हमारी, जो कि बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमी पर है, और यहां पर हम इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करने वाले हैं। तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपने कस्टमर के लिए एक इंश्योरेंस प्लान भी लेकर आया, मतलब ये इतना बढ़िया इंश्योरेंस प्लान है, अगर आप इंडियन ओवरसीज बैंक के कस्टमर हो तो आपको बैंक 50,000 से लेकर 15 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देगा, वो आपके ऊपर, आप ये इंश्योरेंस लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। अगर आपको लेना है तो आप इंटरनेट बैंकिंग से या फिर बैंक की ब्रांच में चले जाएं, एक फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, और आपका मंथली प्रीमियम आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा, मंथली प्रीमियम। ठीक, तो प्रीमियम का मतलब क्या है कि आप 50,000 से लेकर 15 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस ले सकते हो, तो आपका प्रीमियम भी वैसा ही होगा भाई, कम अमाउंट का इंश्योरेंस कम प्रीमियम, ज्यादा अमाउंट का इंटरेस्ट तो ज्यादा प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, हालांकि प्रीमियम का अमाउंट यहां पर स्पेसिफाई नहीं। तो 50,000 से लेकर 15 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलेगा अगर आप इंडियन ओवरसीज बैंक के कस्टमर हो, पहली बात। दूसरी बात, ये इंश्योरेंस देगा कौन, ये इंश्योरेंस कौन देगा, तो ये इंश्योरेंस जनरल सैम्पो, अभी नाम बताऊंगा, एक इंश्योरेंस कंपनी है, वो देगी। सबसे अच्छी बात इस इंश्योरेंस की, सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भी व्यक्ति यह इंश्योरेंस लेगा
तो उसे तो ये पॉलिसी कवर करेगी करेगी, उसके स्पाउस को, उसके इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन, उसके जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उनको या डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं सबके लिए ये इंश्योरेंस पॉलिसी काम करेगी। ये सबसे अच्छी बात है। आइए आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने हेल्थ केयर प्लस स्कीम लॉन्च की है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। आइए पूरी बात करते हैं आपसे। देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर एक तरह का हेल्थ केयर प्लस स्कीम लॉन्च किया है, हेल्थ केयर प्लस इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च किया है। मतलब क्या हुआ, पहले तो आपको कंपनी का नाम पता होना चाहिए, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। आइए देखिए, इट इज अ को ब्रांडेड इंश्योरेंस स्कीम एक्सक्लूसिवली डिजाइन फॉर आईओबी कस्टमर विथ अ सम इंश्योर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 50,000 एंड गोइंग अप टू 15 लाख। भाई मैं वही बोल रहा हूं कि आपको 50,000 रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलेगा जो भी इंडियन ओवरसीज बैंक के कस्टमर है उसके लिए, ठीक है। और इस इंश्योरेंस पॉलिसी में सेल्फ मतलब कि आप लोग, आपके स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स कैन बी कवर्ड अंडर द पॉलिसी, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत बढ़िया है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक, सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस अमाउंट सब कुछ आपको बता दिया गया। हम आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े और अब बात करेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक की। तो इंडियन ओवरसीज बैंक को 1937 में फाउंड किया गया था। इसके एमडी और सीईओ हैं कर्णम शेखर। कर्णम शेखर का अपॉइंटमेंट बहुत पुराना नहीं है, 2019 में आई थिंक जुलाई वुलाई की न्यूज है ये, तो ये भी आपको लर्न करना चाहिए। हेडक्वार्टर तो अगर किसी बैंक के स्टार्टिंग में इंडियन लग गया तो वो चेन्नई में होता है। अब वो चाहे इंडियन ओवरसीज बैंक हो चाहे आपका इंडियन बैंक, सब कहां पे है आपके, चेन्नई में है, ठीक है। और अगर टैगलाइन की बात करें, टैगलाइन तो गुड पीपल टू ग्रो विथ, गुड पीपल टू ग्रो विथ, तो ये इंडियन ओवरसीज बैंक की टैगलाइन है, गुड पीपल टू ग्रो विथ, ठीक है। चलिए तो बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमी में हमने आपको दो न्यूज पढ़ाई और दो न्यूज आपको यहां पे हमने कवर भी करा दी। गाइज हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपसे नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। तो आज ही खाता खुलवाते हैं, वेरी गुड अंशुल। खाता मतलब अकाउंट। तो अगर कोई आपसे पूछे अंशुल की बैंक में कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, तो ये मत बोलिएगा चालू खाता, सावधि खाता, आवर्ती खाता, जमा खाता। आप बोलेंगे क्या, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, एनआरडी। थोड़ा स्मार्ट होके आप किससे पढ़ रहे हैं ये भी तो देखें। खाता वाता क्या होता है जी, अकाउंट नहीं बोल सकते हो, अकाउंट खुलवाते हैं, अकाउंट ओपन कराते हैं आज ही बैंक में जाकर। हम जैसा अधिकारी बनने वाले हो तो अपनी बॉडी लैंग्वेज भी ऑफिसर की तरह रखो, समझे। इधर मतलब लगता है ना कि हाँ कोई ऑफिसर जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाता, मेरा खाता भाग्य विधाता, सुना है आप लोगों ने, आवर अकाउंट आवर प्राइड, प्रधानमंत्री जनधन योजना। चलिए आगे बढ़ते गाइस, अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, कौन कौन सी न्यूज आपको हम देने वाले हैं। पहला न्यूज तो यहां पर हम बात करेंगे अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना की इकॉनमी हालात काफी खराब थे, आई होप वी होप कि अब कुछ ठीक हो जाएगा, मे भी ठीक हो जाएगा। देख लीजिए यहां पर तो अल्बर्टो फर्नांडिस इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द अर्जेंटीना। तो अल्बर्टो फर्नांडिस जो है ये अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया, हम सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। देख लीजिए हम कंट्री की बात करते हैं, कंट्री कौन सी, कंट्री का नाम क्या है, कंट्री का नाम अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना की हम बात कर रहे हैं, अपॉइंटेड पर्सन का नाम क्या है, तो अपॉइंटेड पर्सन का नाम अल्बर्टो फर्नांडिस है। गाइस 10 AM पे आज हम बैंकिंग अवेयरनेस की बात करने वाले हैं, आई होप कि हम सब वहां पे फिर से मिलेंगे आपसे, ठीक है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं ये, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है उसकी बात कर लें तो इन्होंने सक्सीडेड किया है मॉरिसियो मैक्री को। मॉरिसियो मैक्रो ये इंडिया में भी आए थे, है ना, तो इनको रिप्लेस किया। तो हम अर्जेंटीना की बात कर रहे थे, अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट, आपको नाम मालूम चल गया, अल्बर्टो फर्नांडिस, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट है जो आपको लर्न करना है। दीपावली चली गई है और दीपावली बीतते ही मिर्जापुर में लाइट कटना शुरू हो चुकी है, आप लोगों को बीप बीप सुनाई पड़ रहा होगा, है ना। आगे बढ़े अबाउट अर्जेंटीना, तो आपको इसकी कैपिटल एंड करेंसी याद रखनी है, बिकॉज हमने प्रेसिडेंट का नाम पहले ले लिया। तो अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स एंड करेंसी अर्जेंटीनियन पेसो। मे बी आप लोग अब तो इतने ब्रिलियंट हो गए हो कि ये सब आप लोग आराम से याद भी कर सकते हो, मुझे लगता है कि आप लोग को याद भी होगा। शेख तस्नीम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट की। हरीश चौधरी भी हमारे बीच में, नेक्स्ट पॉइंट। मयंक चौकसी कंटिन्यूअस आप बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। आफरीन खान गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सब, गुड मॉर्निंग। सत्यम बोल रहे हैं कि अंशुल बेस्ट स्टूडेंट बनना भी काफी बिजती सहना पड़ता है। अभी तुम लोग की कौन सी इज्जत है जी, मतलब
मतलब अभी तुम स्टूडेंट हो यार, अभी अधिकारी कहाँ बने हो कि बेइज्जती होगी? जब अधिकारी बन जाओगे तब ना बेइज्जती होती है। तो नहीं बेटा, डांटने का मतलब बेइज्जती करना थोड़ी ना होता है। चलो देखो यहाँ पे, तो हम अगर हम बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम की नई प्राइम मिनिस्टर बन गई है, नाम क्या है इनका, नाम है इनका सोफी विल्म्स, बिकम फर्स्ट वुमेन टू बी नेम्ड एज द बेल्जियम प्राइम मिनिस्टर। ये बेल्जियम की पहली महिला भी बन गई है जो कि अब प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। एग्जैक्टली मैं पूरा मैटर क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, देखिए ध्यान सुनिएगा मेरी बात। बेल्जियम के जो ये प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको यूरोपियन यूनियन काउंसिल में प्रेसिडेंट बना दिया गया। अगर आप लोगों ने मेरा ब्रेग्जिट वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये जो यूरोपियन यूनियन है ये अलग अलग देशों का समूह तो है लेकिन इनकी कॉमन पार्लियामेंट भी है और ये 28 देश एज अ कंट्री काम करते हैं। तो बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर का प्रमोशन हो गया यूरोपियन यूनियन में, तो बेल्जियम की प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट खाली हो जाती, तो जो बेल्जियम की वो है, बेल्जियम की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, बजट मिनिस्टर, उनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर चुना गया है, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो गाइस देखिए यहां पर कौन कौन से पॉइंट आपके सामने हैं। देखिए हम कंट्री की बात कर रहे हैं, कौन सी कंट्री, बेल्जियम। तो हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं, अपॉइंटेड पर्सन का नाम क्या है, अपॉइंटेड पर्सन का नाम सोफी विल्म्स है, सोफी विल्म्स। और इनकी पोस्ट क्या है, इनकी पोस्ट प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, ये बेल्जियम की पहली महिला है गाइस, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, हाँ जहां फर्स्ट लग गया वहां वो इंपॉर्टेंट हो गया, मैं हमेशा बोलता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीवियसली तो ये पहले क्या वर्क करती थी, ये पहले बजट मिनिस्टर थी ऑफ बेल्जियम, बजट का मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। और ये किसको सक्सीड करेंगी, तो ये चार्ल्स माइकल को सक्सीड करेंगी जो कि प्राइम मिनिस्टर थे बेल्जियम के। एग्जैक्टली में क्या हुआ चार्ल्स माइकल के साथ देख लीजिए, इनको यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट चुन लिया गया है और ये 1 दिसंबर मतलब मेरे बर्थडे के एक दिन पहले से ये काम करना शुरू कर देंगे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल। आई थिंक अब आपको पूरी न्यूज मालूम चल गई, देख लीजिएगा क्या क्या बात थी वो हमने बता दिया। तो हम बेल्जियम की बात कर रहे थे गाइस, तो आइए बेल्जियम के स्टडी पॉइंट की बात कर लें। तो बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स है, करेंसी यूरो है। ब्रसल्स की बात करें, ब्रसल्स में बड़े हेडक्वार्टर हैं, बड़े मतलब जैसे कि स्विफ्ट का हेडक्वार्टर कहां पे है, ब्रसल्स में, ये भी याद कर लीजिएगा। जैसे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पे है, ये भी ब्रसल्स में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नाटो की बात करें, नाटो का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो नाटो का हेडक्वार्टर भी ब्रसल्स में है। और अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका भी हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है। तो ब्रसल्स में बड़े इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्विफ्ट हो गया, यूरोपियन यूनियन, नाटो, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या है, ये सब ब्रसल्स में है, ये भी याद कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट आपको दिखा दे रहा हूं किरण, थैंक यू सो मच, गिफ्ट भी लेंगे। हाँ अगर कोई जो जो एडवांस में बर्थडे विश करेगा सबको एडवांस में गिफ्ट भी देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हाँ हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अब हम डेज और इवेंट की बात करेंगे, डेज और इवेंट। ठीक है, और जो मैं आपको न्यूज यहां पर दूंगा आप लोग को आज का आज इसे कंप्लीट कर लेना है। डेज और इवेंट की हम बात करें, ठीक है, देखिए तो पहले डेज की बात करें तो हम बात करेंगे वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, 27 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, ऑडियो विजुअल हेरिटेज, ये अक्टूबर 27 को सेलिब्रेट किया गया, आपको हमने इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, हालांकि आज 29 है, मैंने फिर क्या बोला, न्यूज तो है नहीं हमारे पास, तो हमने कुछ जुगाड़ लगाया है, आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, देख लीजिए। तो डे का नाम क्या है, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, 27 अक्टूबर को यह सेलिब्रेट किया गया। 2005 में इसका इंट्रोडक्शन था और इसकी थीम इस बार की आपके सामने है, एंगेज द पास्ट थ्रू साउंड एंड इमेजेस। हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, 27 अक्टूबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, 2005 से यह सेलिब्रेट हो रहा है और इसकी थीम क्या है, एंगेज द पास्ट थ्रू साउंड एंड इमेजेस। तो यह चीज आपको लर्न करनी है, हो जाएगा ना। चलिए तो ये पॉइंट था हमारा, आगे बढ़ेंगे। कल की बात करें तो इंटरनेशनल एनिमेशन डे, 28 अक्टूबर को पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम नहीं थी लेकिन डे इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल एनिमेशन डे की हम बात कर रहे हैं। तो किस डे की हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल एनिमेशन डे, 28 अक्टूबर को यह सेलिब्रेट किया गया। इसका इंट्रोडक्शन ईयर 2002 है और इसका एडिशन 18वां है, एडिशन 18वां, इंट्रोडक्शन ईयर 2002, डेट अक्टूबर 28, डे का नाम द इंटरनेशनल एनिमेशन डे, याद कर लेंगे सारा पॉइंट। हम आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़कर आपको इस बार अक्टूबर के जो इंपॉर्टेंट डेज हुए हैं और उनकी थीम, उसकी पूरी लिस्ट आपको दे रहे हैं, देख लीजिए यहां पर। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, आपको बताया कि अगर हम अक्टूबर 1 से लेकर 31 की बात करें, मतलब कि पूरे अक्टूबर मंथ की बात करें, तो आपको बताया कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में यह मनाया जाता है ना। और देख लीजिए जैसे 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया जाता है,
इंटरनेशनल कॉफी डे 1 अक्टूबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 1 अक्टूबर को थीम भी हमने आपको दी है, जहां जहां पे थीम है वो भी हमने बनाकर आपको दे दी है। अगर ये अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो हमारा, ठीक है। और देख लीजिए अक्टूबर 2 को क्या क्या मनाते हैं, अक्टूबर 4 टू 10 वीक की हम बात कर रहे हैं, तो ये वीक कौन सा है, वर्ल्ड स्पेस वीक। वर्ल्ड स्पेस वीक और इसकी थीम ये थोड़ा अलग हो गया है, ठीक है, द मून गेटवे टू द स्टार, ये भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। अगर वर्ल्ड एनिमल डे अक्टूबर 4, वर्ल्ड 5 अक्टूबर की बात करें वर्ल्ड टीचर डे, और उसकी थीम हमने आपको यहां पर दे दी है, ये आपको आज का आज कंप्लीट कर लेना है, ठीक। अक्टूबर 7 वर्ल्ड कॉटन डे, अक्टूबर 7 वर्ल्ड हैबिटेट डे, और वर्ल्ड हैबिटेट डे की बात करें थीम आपके सामने यहां पर है। अक्टूबर 2 टू 8 की बात करें तो वाइल्ड लाइफ वीक इंडिया है, और इसकी थीम आपके सामने है लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लैनेट। अक्टूबर 9 की बात करें वर्ल्ड पोस्ट डे, अक्टूबर 10 की बात करें नेशनल पोस्ट डे, और अक्टूबर 9 टू 15 नेशनल पोस्टल वीक भी मनाते हैं। अक्टूबर 10 वर्ल्ड साइट डे भी मनाते हैं, यह भी इंफॉर्मेशन। अक्टूबर 10 वर्ल्ड मेंटल डे, अक्टूबर 11 इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, दोनों की थीम आपके सामने यहां पर दी हुई है। अक्टूबर 11 वर्ल्ड ओबेसिटी डे, अक्टूबर 11 वर्ल्ड एग डे, थीम आपके सामने, जहां जहां थीम है वो हमने कोशिश की है। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे, तो टाइम टू वर्क, वर्ल्ड माइग्रेटरी डे, ये भी आपके सामने है। अक्टूबर 13 इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, अक्टूबर 13। अक्टूबर 14 वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, मेरे ख्याल से आप लोग याद किए होंगे तो आपका रिविजन भी हो रहा होगा और थीम आपके सामने है। अक्टूबर 15 इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, थीम आपके सामने है। अक्टूबर 15 ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, ये भी आपके सामने, थीम भी सामने आपके है। अक्टूबर 15 वर्ल्ड स्टूडेंट डे, एपीजे अब्दुल कलाम बर्थडे। अक्टूबर 15 वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे। अक्टूबर 16 वर्ल्ड फूड डे। अक्टूबर 17 इंटरनेशनल पॉवर्टी इरेडिकेशन डे। अक्टूबर 17 वर्ल्ड ट्रॉमा डे। अक्टूबर 20 वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स डे। अक्टूबर 20 नेशनल सॉलिडेटरी डे। अक्टूबर 20 वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। अक्टूबर 21 पुलिस कमोमेशन डे। अक्टूबर 21 ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रिवेंशन डे। नेक्स्ट वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर, यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर, और वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे भी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ल्ड सेविंग डे अक्टूबर 31, ठीक, और वर्ल्ड 31 अक्टूबर को ही नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस, देख लीजिए वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थ एनिवर्सरी उसके लिए, ठीक है। तो हमने आपको अक्टूबर का एक कोशिश किया है कि इन शॉर्ट इन क्रिप्स आपको इन्फॉर्मेशन दे, अगर इसमें कुछ मिसिंग होगा तो वो आप एड ऑन कर लीजिएगा और अपनी प्रॉपर अक्टूबर की नोट्स बनाकर इसे आज ही आज कंप्लीट कर लीजिएगा। बात के लिए मत टालिएगा, आज खत्म कर लीजिएगा। बनाने में मेहनत लगती है हमारी भी, और वो इसलिए लगती है कि आप उस पर काम करेंगे, इसलिए नहीं कि बंद करके आप रख देंगे, ठीक है। चलिए इंटरनेट डे, बड़ी अच्छी बात है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। एक चीज मुझे समझ में नहीं आती है कि अगर डिसलाइक आप करते हो तो प्लीज उसका वजह, रीजन बता दो, क्या उसका रीजन है, ताकि हम उसमें काम कर पाए, है ना। तो डिसलाइक करके चले जाना भी तो अच्छी बात नहीं होती है ना, कि मतलब आप क्यों किसी को पसंद नहीं करते हैं, भाई आप रीजन तो बताएं उसका, क्या रीजन है, क्या रीजन। अगर टाइम की दिक्कत है आप डिसलाइक कर रहे हो तो वो मेरे हाथ में नहीं, आप गलत कर रहे हो। अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन, मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लगता तो आप उसका रीजन भी बताएं मुझे, क्या रीजन है कि मुझे बोलना नहीं आता, मुझे पढ़ाना नहीं आता, मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है, जो भी है रीजन बताएं, ऐसे मत जाएं, वो अच्छी बात नहीं है, फिर वो तो मतलब गलत ही बात हो गई, है ना, कि मतलब उसमें मुझे कि मैं गलत नहीं हूं, गलत आप है। और हर पंसर को सुधार की जरूरत पड़ती है, तो आप हमको बताएं, अपने अंदर सुधार करें भाई, सुधार करके ही लर्निंग करके यहां तक पहुंचे और लर्निंग करके ही आगे पहुंचेंगे। और दिक्कत तो यह है कि आजकल स्टूडेंट जज बन गया है और फैकल्टी मुजरिम बन गया है, है ना, तो यह भी दिक्कत हो गई आजकल। तो बता दिया करिए क्या दिक्कत है, आप लोग तो जज हैं, भगवान है हमारे, बता दिया करिए। चलिए नेशनल अफेयर्स की बात करें, कौन कौन से पॉइंट हमारे सामने हैं, देखिए तो हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेट गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ विश्व शांति स्तूप इन राजगीर, ठीक है। तो अगर हम प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी की बात करें तो ये गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ विश्व शांति स्तूप जो है राजगीर में, इसका इनॉग्रेशन किया राष्ट्रपति जी ने किया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है। फिर देख लीजिए रामनाथ कोविंद जी ने इनॉग्रेट किया है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ विश्व शांति स्तूप इन राजगीर। गोल्डन जुबली का मतलब 50 साल। तो मैं आपको बता दूं, जब हिरोशिमा और नागासाकी में बम विस्फोट हुआ था, उसके बाद एक सेंट थे, बुद्धिस्ट सेंट थे, जिन्होंने राजगीर में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। देख लीजिए यहां पर, तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द विश्व शांति स्तूप हियर अ पीस पगोड़ा सिचुएटेड ऑन द रत्नागिरी हिल्स। रत्नागिरी हिल्स कहां पर है, यह भी स्टेट का क्वेश्चन है। रत्नागिरी हिल्स
बिहार, बिहार में राजगीर, याद कर लीजिएगा राजगीर, ठीक है। तो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी ने इसका इनॉग्रेशन किया, गोल्डन जुबली का इनॉग्रेशन किया, उसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे नीचे लिखा भी हुआ है कि जो जापानीज बुद्धिस्ट थे उन्होंने इसका स्थापना की थी, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट वो आपको पढ़ने की जरूरत है, आपके एग्जाम में ये आ सकता है। हमारे देश के ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने इसका इनॉग्रेशन किया, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, ठीक है। आइए बिहार की बात कर लें। बिहार की कैपिटल पटना है, हमको पता ही है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैं एंड गवर्नर फागू चौहान जी हैं आपके सामने, गवर्नर फागू चौहान जी, ठीक। अगर आगे बढ़े तो बिहार को 1912 में बना दिया गया था, बिहार दिवस मनाते हैं, बिहार दिवस देख लीजिएगा 22 मार्च। टोटल एरिया की बात करें, टोटल एरिया के हिसाब से बिहार की हमारे देश में 13वीं रैंक है, टोटल एरिया के हिसाब से 13वीं रैंक है, और अगर हम बात करें पॉपुलेशन तीसरी रैंक है। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन में हम तीसरे नंबर पे हैं और एरिया में 13वें नंबर पे, हम का मतलब बिहार के लोग, ठीक है, ये देख लीजिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डेंसिटी की बात करें 1108 पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, ठीक। लिटरेसी रेट 61.80%, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा है और लिटरेसी कम है, तो डेवलपमेंट कैसे स्टेट का हो पाएगा। हाँ, सेक्स रेशियो की बात करें 9:1:8, ये भी खराब है। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें 243 सीट, टोटल 243 सीट यहां पर आती हैं, और अगर हम लोअर हाउस की बात करें तो लोअर हाउस 40 सीट आती है, 40 सीट आती है। अपर हाउस की बात करें, अपर हाउस की टोटल 16 सीट है, तो अपर हाउस का मतलब राज्यसभा 16 सीट है, लोकसभा 40 सीट है, ठीक। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें 38 डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, और हाईकोर्ट की बात करें पटना हाईकोर्ट जिसके चीफ जस्टिस कौन है, अमरेश्वर प्रताप शाही, तो यह भी याद कर लीजिएगा, यह भी है, ठीक है। आगे बढ़ेगा, इस लैंग्वेज की बात करें तो मैथिली लैंग्वेज भोजपुरी, ये दो मेन चीज है, हिंदी भी है यहां पे, ठीक है, और भी लैंग्वेज जो सब रीजनल एरियाज में बोली जाती है वो भी हमने यहां मेंशन की है, लेकिन मैथिली याद रखिएगा, मैथिली बिहार की लैंग्वेज। झील की बात करें गाइस, तो कई बार आपके एग्जाम में कन्वर लेक के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन, याद कर सकते हैं हम लोग। और बात करें तो और तो ठीक है, गोरा कटोरा ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट कन्वर लेक है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। रिवर की बात करें तो कौन कौन से रिवर बिहार से गुजरता है वो भी आपके सामने इंफॉर्मेशन हमने दी है आपको। डैम की बात करें, नागी डैम कई बार आपके एग्जाम पूछा गया, नागी डैम कहां पे है, नागी डैम बिहार में है, और नागी रिवर ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, नागी डैम, ठीक। फेस्टिवल की बात करें तो छठ पूजा अभी होने वाला है, बिहार का सबसे फेमस पूजा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फोक डांस की बात करें, आपके एग्जाम में जट जटनी कई बार पूछा गया, मुझे हालांकि बोलने की जरूरत नहीं है, ये खुद आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा भी होगा जट जटनी, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर नेशनल पार्क की बात करें, वाल्मीकि नेशनल पार्क एकमात्र बिहार का नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर थर्मल पावर प्लांट की बात करें, बरौनी, तो ये आपके सामने है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें गाइस, तो देखिए हमने पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है यहां पर, और ये विक्रमशिला जो है ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, पता ही है आपको, ठीक है, देख लीजिएगा। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की भी पूरी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है पटना की। चलिए, तो हम नेशनल अफेयर्स की बात कर रहे हैं, एक तो हमने क्या बात की, हमने आपकी बात कर ली गोल्डन जुबली की, अब हम क्या बात करेंगे, अगर हम अपने देश के स्टडी के बारे में बात करें, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करें, तो पढ़ाई लिखाई में एक चीज जो है वो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि हमारे देश में 9th और 10th के जो बच्चे होते हैं, हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो सिस्टम हम डेवलप कर दें ताकि बच्चों का इंटरेस्ट हमको मालूम चल जाए, और ये पहल की शुरुआत की है एनसीईआरटी ने और सीबीएसई ने। मतलब हम एक मॉक टेस्ट लेंगे, मॉक टेस्ट, इस मॉक टेस्ट का नाम है तमन्ना, ताकि 9th और 10th के बच्चों के जो मार्क्स है वो हम देख पाए कि मतलब उनका स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेसेस किस सब्जेक्ट में है। भाई जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होगा वो आपका स्ट्रेंथ बन जाएगी, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है ना। आइए इसके बारे में बात करते हैं आपसे, देख लीजिए यहां पर, ठीक। तो एप्टीट्यूड टेस्ट का नाम क्या होगा, देखिए पहले आप हेडिंग पढ़ लीजिए, सीबीएसई एंड एनसीईआरटी लॉन्चेस तमन्ना टेस्ट फॉर क्लास 9 एंड 10 स्टूडेंट। आइए देखिए यहां पर, तो एप्टीट्यूड टेस्ट का नाम क्या है, तमन्ना, आपके सामने, लॉन्च बाय सीबीएसई एंड एनसीईआरटी, लॉन्च बाय सीबीएसई एंड एनसीईआरटी। इसका फुल फॉर्म, तमन्ना का फुल फॉर्म क्या होगा, तमन्ना का फुल फॉर्म है ट्राई एंड मीजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज, ट्राई एंड मीजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज, तमन्ना का फुल फॉर्म, ट्राई एंड मीजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज, ये इसका फुल फॉर्म है गाइस। आगे बढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, ठीक है। तमन्ना, तो तमन्ना एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें क्लास 9th और 10th के बच्चों को ये टेस्ट लिया जाएगा, ताकि उनको बेटर मेक अ बेटर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, इवेंचुअली हेल्पिंग देम इन मेकिंग एंड इन्फॉर्म डिसीजन व्हाइल चूजिंग सब्जेक्ट इन क्लास 11th एंड 12th।
ठीक है। तो इस एप्टीट्यूड टेस्ट से क्या होगा कि बच्चों को मालूम चलेगा कि उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, जब वो 11 और 12 में अपने सब्जेक्ट चुनते हैं तो उन्हें कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए उसके बारे में बात करें। तमन्ना इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चलिए तो अबाउट सीबीएसई के बारे में बात करेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसको 2011 में फाउंड किया गया। सीबीएसई जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंडर में काम करता है, मतलब आपके एचआर में, एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर में। हेडक्वार्टर सीबीएसई का दिल्ली में है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों है। और अगर सीबीएसई के हम चेयरमैन की बात करें तो वो अनीता करवाल जी हैं, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ेंगे और अब से बात करेंगे नेक्स्ट नेशनल अफेयर्स न्यूज की। और ये हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की। गिनी, अब देखो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को आप कुछ भी बोलो, लेकिन अगर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात होती है तो उनके कार्यकाल में ये आई थिंक दूसरा रिकॉर्ड होगा। कुंभ मेले पे उनको ऑलरेडी 3 गिनीज बुक रिकॉर्ड मिल चुका है, चौथा मतलब ये होगा। देख लीजिए आपके सामने यहां पर इंफॉर्मेशन है। देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड फॉर लाइटिंग 4 लाख दियास इन अयोध्या। लास्ट ईयर ये 3 लाख था, इसका रिकॉर्ड टूटा है, 4 लाख कर दिया गया है। तो अयोध्या में 4 लाख दिया जलाने का विश्व गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया। अयोध्या की हम बात करें, देख लीजिए तो सिटी कौन सी है, अयोध्या। ठीक, अचीवमेंट 4 लाख लैंप्स वेयर लिट अलोंग द बैंक्स ऑफ सरयू रिवर। तो सरयू नदी किनारे 4 लाख दियों को लगाया गया, सजाया गया। और यह इवेंट ऑर्गेनाइज किया था चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ। तो देख लीजिएगा ये भी भाई, अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात हो रही है तो इंपॉर्टेंट तो है, तो आपको हम यहां पे दिखा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए महिमा बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, आप 6 लाख बोल रहे हैं एग्जैक्टली। में जो इवेंट था, मतलब जहां पे था वहां 4 लाख, और जो दिया जो लोगों ने अपने दिए रखे घाट पर वो 2 लाख, और 2 लाख में नहीं 5.5 समथिंग कुछ है। तो आप याद रखिएगा, अगर ऑफिशियली गवर्नमेंट के साइड से बात करें तो 4 ही लाख है, ऑफिशियली गवर्नमेंट के साइड से 4 लाख है। टोटल दिए जो रखे लोगों ने 6 लाख, अगर 4 लाख को 2 लाख से हम ऐड कर देंगे तो वो 6 लाख हो जाएंगे, हालांकि वो 6 लाख नहीं थे। तो मैं आपको गवर्नमेंट का डेटा बता रहा हूं जिसका अरेंजमेंट किया गया था। लास्ट ईयर 3 लाख, इस बार 4 लाख। ठीक है, याद रखिएगा गवर्नमेंट का तो 4 लाख दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े और अब बात करेंगे हम लोग एक्स्ट्रा हाईलाइट्स की। तो एक्स्ट्रा हाईलाइट में आपके लिए कौन कौन सी न्यूज हम लेकर आए हैं, तो पहली न्यूज लद्दाख पर होगी। फर्स्ट एवर लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल, तो लद्दाख में पहला लिटरेचर फेस्टिवल हुआ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें से कौन से यूटी में पहली बार लिटरेचर फेस्टिवल हुआ, तो आंसर हम क्या देंगे, लद्दाख। बस आपको यही पढ़ना है और कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि जो पढ़ने लायक हो। देख लीजिए, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑर्गेनाइजिंग द फर्स्ट एवर लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल। ये 3 दिन का फेस्टिवल था, बस ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, फेस्टिवल होगा मतलब एग्जैक्टली में, तो देख लीजिए आप लोग 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का ये फेस्टिवल है, द 3-डे लिटरेचर फेस्टिवल। और आपको पता ही है कि लद्दाख में अभी नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं, तो आपको पता ही है, तो वो नाम आपको याद होगा तो न्यूज कंप्लीट आपकी हो जाएगी। तो ये आपकी पहली न्यूज थी। ठीक है, पहली बार हुआ है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं याद बोलता हूं हमेशा। आगे बढ़े, दूसरे पॉइंट की बात कर ले, तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपके एग्जाम में साइक्लोन वगैरह क्वेश्चन बनते हैं, और ऐसा बड़ा रेयर होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें अपने अपने इंडिया की बात करें, अगर ये इंडिया का निचला हिस्सा श्रीलंका की है, तो इस साइड साइक्लोन के बनने की संभावना बड़ी कम होती है। मैक्सिमम आपको साइक्लोन इस साइड मिलते हैं ना, उड़ीसा में इस साइड मिलते हैं, तो इस साइड जो भी साइक्लोन बनते हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं क्योंकि ये रेयर होते हैं। तो साइक्लोन किया, KYAAR, रेन लाइकली इन पार्ट ऑफ साउथ गुजरात एंड सौराष्ट्र, मतलब क्या, आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हमारे कंट्री की अगर हम बात करें तो ईस्ट साइड में भी कौन सा चक्रवात आया था जिसने गुजरात और सौराष्ट्र को हिट किया, तो आपका आंसर क्या होगा, KYAAR, क्या। ये आपको याद रखना है, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हवा की स्पीड क्या थी, पानी की स्पीड, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस याद रखना है कि साइक्लोन क्या आया था, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना कि इस पार्ट में रेयरली ही साइक्लोन आते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट थोड़े से होते हैं, इसे आपको लर्न करना। ठीक है, आगे बढ़े गाइस और अब बात करते हैं गुजरात की। गांधीनगर जो कि अमित शाह जी की का अपना एरिया भी है ना, तो गांधीनगर बिकम गुजरात फर्स्ट कैरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट। तो गांधीनगर को गुजरात का पहला कैरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, क्योंकि अमित शाह जी ने जो बची महिलाएं थी जिनको गैस कनेक्शन नहीं मिले थे, तो 1000 लोगों को गैस कनेक्शन दिया, और गैस कनेक्शन देते ही गांधीनगर क्या हो गया, कैरोसिन फ्री जिला हो गया आपका। तो गांधीनगर बिकम गुजरात फर्स्ट कैरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट, देख लीजिए यहां पर। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी की बात करें, एलोकेटेड 1000 LPG कनेक्शन टू वुमेन इन गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात।
और ऐसा होते ही गांधीनगर फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात टू बिकम कैरोसिन फ्री। गुजरात का पहला शहर गांधीनगर जो कि कैरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट हो गया है, इंपॉर्टेंट होगा, याद कर लीजिएगा, बिकॉज इसमें भी फर्स्ट लगा हुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे और आज के एक्स्ट्रा हाईलाइट की हम आपको चौथी न्यूज दिखाते हैं। तो गाइज, आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा ब्रिक्स, BRICS, ठीक है, ये 5 देशों का समूह है, ठीक, इसमें से रशिया को बाहर कर दीजिए तो एक और ग्रुप बनता है BICS, जिसे हम लोग बेसिक बोलते हैं, तो ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं बेसिक। तो बेसिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग क्लाइमेट चेंज, ऑन क्लाइमेट चेंज, तो मतलब ये जो बेसिक कंट्रीज है, मतलब ब्राजील हो गया आपका, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इन सारे देशों के जो कि एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, उनकी मीटिंग हुई कहां पर, चाइना में। देख लीजिएगा, बेसिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज कहां पर हुई, चाइना में हुई, आई उसके बारे में आपको हम बात कर बता रहे हैं। देख लीजिए, सबसे पहली बात आपको एडिशन याद रखना है, 29 द 29th मिनिस्ट्रियल मीटिंग, 29वीं मंत्री स्तरीय बैठक थी ये, और बेसिक कंट्रीज वॉज हेल्ड इन बीजिंग, बीजिंग में ये हुआ, ठीक है। और बेसिक कंट्री की बात करें तो ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, ये सारे देश बेसिक में आते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो बेसिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग, लेकिन कौन से मिनिस्टर, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। तभी तो प्रकाश जावड़ेकर जी, देखिए आपको यहां पर दिखाई पड़ रहे होंगे, सूट बूट पहने हैं, है ना, प्रकाश जावड़ेकर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। एक बड़ा ही अच्छा डिसीजन, इलेक्शन कमीशन को देखिए, इलेक्शन कमीशन को अपना वोटर टर्नआउट बढ़ाना होता है, वोटर टर्नआउट का मतलब वोट देने का परसेंटेज। तो हमारे देश में अभी तक जो, जैसे वोट कैसे होता है, मशीन होती है, हम लोग घर से निकलते हैं, मशीन पे बटन दबाते हैं और वोट कमल को पड़ जाता है ना, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो कहने का मतलब कि अभी हम लोग क्या है कि हम लोग बैलेट से वोट नहीं देते। बैलेट से हमारे देश में वोट कौन देता है, डिफेंस के लोग, जो डिफेंस के हैं भाई, वो लोग, उनके लिए बैलेट की व्यवस्था होती है, और जो लोग इलेक्शन के दौरान काम करते हैं उनके लिए भी वोटिंग बैलेट से ही होती है। तो अभी इलेक्शन कमीशन ने हमारी गवर्नमेंट से बोला कि भैया आप नियम को चेंज करिए, ऐसे व्यक्ति जो कि डिसेबल्ड हो और जिनकी एज 80 साल से ऊपर, उनके लिए आप बैलेट का यूज करना शुरू करें वोट देने के लिए, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है कि वो बार बार आएंगे या वो आकर वोट डालेंगे। तो वोटर टर्नआउट को बढ़ावा देने के लिए भी यह काम किया गया। देख लीजिए, पोस्टल बैलेट फॉर डिसेबल्ड एंड वोटर एज अबव 18। तो ऐसे व्यक्ति जो डिसेबल हैं या ऐसे वोटर्स जिनकी एज 80 साल से ऊपर है, उनको अब पोस्टल बैलेट से वोट देने का अधिकार दे दिया गया है, बिकॉज वो तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन हां उनके जगह पर कोई बैलेट लेकर मतलब वोट डाल सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। देख लीजिए, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मतलब रविशंकर प्रसाद जी की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, वरना फिर वही बात हो जाएगी कि सर एग्जाम में पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया, करंट है, पॉलिटी प्लस करंट है ये, ठीक है। तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 को अमेंड किया है और हमारे देश में मतलब अलाउ कर दिया है सीनियर सिटीजन को और पर्सन विद डिसेबिलिटीज को इन एब्सेंटी वोटर लिस्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट याद कर लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है, इतना ये नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे जो मैंने आपको समझाया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा भारत कितना उन्नत था आज से 1000, 2000 या 5000 साल पहले। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तो पूरे विश्व को मालूम है, आज से 5000 साल पहले हमारे पास एक शहरी व्यवस्था थी, जबकि पूरे वर्ल्ड में दैट टाइम पर लोहे की भी खोज नहीं हुई थी, हमारे पास शहर हुआ करते थे, है ना। देख लीजिए, अब दूसरी न्यूज, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2000 साल पुराना ट्रेड सेंटर बिजनेस करने का जगह इन आंध्र प्रदेश, 2000 साल पुराना, और इसकी खुदाई में आपको विष्णु जी की या शंकर भगवान जी की मूर्ति भी मिली है वहां पर, ठीक है। आइए आपको इंफॉर्मेशन देते हैं पूरी, देखिए, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक जगह ढूंढी है जो कि अभी आंध्र प्रदेश में है, और यह एक मैरीटाइम सेंटर था। मैरीटाइम सेंटर का मतलब जिसे आप पोर्ट, बंदरगाह बोल सकते हो, नियर द बैंक ऑफ स्वर्णमुखी रिवर, स्वर्णमुखी रिवर के किनारे की बात हम कर रहे हैं, करीब 2000 साल पुराना, 2000 साल पुराना मतलब ये ट्रेड सेंटर था, बिजनेस करने का जगह थी। देख लीजिए, तो हमारी सभ्यता कितनी उन्नत थी दैट टाइम पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एक ये न्यूज तो आपने पढ़ी लिया है ना, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे ब्रिटिश प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट का। तो इन्होंने बोला कि आईएसआईएस लीडर अबू बकर अल बगदादी की मृत्यु हो गई है, इसने इसके ऊपर एक
अमेरिकन कमांडो ने एक वो किया था, क्या कहते हैं उसे, पकड़ने गए थे तो वहां पर इसने अपने आप को बम से उड़ा लिया, इसने अपने मतलब अपने आत्महत्या कह सकते हो क्या बचते हैं, वो हो गई इसकी, देख लीजिए यहां पर। तो यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस दैट द इस्लामिक स्टेट लीडर अबू बकर अल बगदादी डाइड इन द रेड रेड कंडक्टेड बाई द यूएस स्पेशल फोर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया। ये पॉइंट आपको लर्न करना है, नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया टर्की से मात्र 7 किलोमीटर दूर एक जगह जहां पे इनकी लीड मिली, और जब अमेरिकन के सील कमांडोज और लोग गए वहां पर, तो वहां पर क्या हुआ, उन्होंने बम फोड़ा दरवाजे से, मतलब दरवाजे से नहीं गए, बेसिकली एक दीवार गिरा के अंदर पहुंचे। वहां पर बच्चे थे, 11 बच्चे थे, 3 महिलाएं थी, इन 3 महिलाओं ने भी अपने अपने मतलब कमर पे बेल्ट बांधा था, बम बांधा हुआ था, हालांकि वो बजा नहीं, मतलब धमाका नहीं कर पाए, अमेरिकन सील कमांडो ने मार दिया तुरंत उनको। आगे ये बगदादी भाग रहे थे तो पीछे रास्ता बंद था, तो इन्होंने अपने आप को बम से उड़ा लिया। बाद में अमेरिकन कमांडोस ने उनका लाश में से मांस वांस निकाला, डीएनए चेक किया, मैच हो गया। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अबाउट बगदादी, बगदादी की बात करें तो बगदादी हेडेड इस्लामिक स्टेट बिटवीन 2013 एंड 19। 2013 से लेकर 2019 तक बगदादी ने इस्लामिक स्टेट को मतलब लीड किया। ही वॉज एन इराकी बॉर्न मिलिटेंट, यानी ये एक इराकी बॉर्न मिलिटेंट थे, इराकी समूह से थे। आईएसआईएस कौन था, ये वही थे जो इराक के सद्दाम हुसैन के जो पर्सनल जो आर्मी के लोग थे। जब हुआ क्या कि मतलब एक्चुअली में जो आपका इराक है, इराक एक सुन्नी सुन्नी देश है, सुन्नी मुसलमान वहां पे रहते हैं, लेकिन अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने जब सद्दाम हुसैन को मारा तो वहां पर जो राष्ट्रपति को बनाया वो सिया गवर्नमेंट को बना दिया। ठीक है, तो काफी नाराजगी थी लोगों में कि मतलब कि सुन्नी देश और सिया वहां पर मतलब प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होंगे। तो जब इराक में सद्दाम हुसैन हार गया तो इराक के जो सैनिक थे वो भाग के इराक और सीरिया के बॉर्डर पर छुप गए थे, और जब अमेरिकन ने अपने ट्रूप्स कम करने शुरू किए तो फिर क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपना रौद्र रूप दिखाया, इन्होंने पूरी अपनी आर्मी बनाई आईएसआईएस। धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने तालिबान एंड बोको हराम और बहुत सारे जो आतंकवादी संगठन थे उसको आपस में मर्ज करना शुरू कर दिया, और एक बहुत बड़ा एक इनका अपना खुद का एक बहुत बड़ा चैनल बन गया आईएसआईएस का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पीएम मोदी की बात करें, तो पीएम मोदी की बात करें तो गाइस पीएम मोदी लॉन्च रुपए कार्ड इन सऊदी अरेबिया। तो पीएम मोदी ने सऊदी अरेबिया में रुपए कार्ड लॉन्च कर दिया, क्योंकि रुपए एग्जैक्टली में पीएम मोदी रुपए कार्ड को एक ग्लोबल कार्ड बनाना चाहते हैं, लाइक द स्टेट कॉम्पिटिशन विथ वीजा एंड मास्टर कार्ड। रुपए कार्ड को देख लीजिए आप, यहां पे इंडिया में तो है ये, सिंगापुर, भूटान, मालदीव, बहरीन, यूएई और देन सऊदी अरेबिया, इन सारे देशों में रुपए कार्ड शुरू हो चुका है। बेसिकली हमारी गवर्नमेंट कहना ये था कि जो हमारे देश के मक्का मदीना के लिए लोग जाते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, वहां पर उनको ट्रांजेक्शन करने में दिक्कत होती है, तो रुपए कार्ड लॉन्च होने से अब उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो वहां पर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जो भी हमारे देश के तीर्थयात्री हैं जो मक्का मदीना जाते हैं। ठीक है, रुपए कार्ड की हम बात कर रहे हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अबाउट सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की बात करें तो किंग सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया, कैपिटल रियाद एंड करेंसी सऊदी रियाद। ठीक है, ये देख लीजिएगा। आगे बढ़े गाइस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर 35 लाख रुपए की पेनाल्टी लगा दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर 35 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई है। आपके सामने इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंपोज अ पेनाल्टी ऑफ 35 लाख ऑन तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक फॉर वायलेटिंग नॉर्म्स ऑन फ्रॉड क्लासिफिकेशन एंड नोटिफिकेशन। ठीक है, याद कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एडा ने एसबीआई लाइफ के ऊपर 4 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई है। एडा ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर 4 लाख की पेनाल्टी लगाई है। यह भी आपको लर्न करना है, सिंपल लैंग्वेज में आपको अमाउंट याद रखना है बस 4 लाख रुपए की। ठीक है, चलिए आगे बढ़े गाइस। रोजर फेडरर की बात करें, इन्होंने अपना 10वां बेसल टेनिस टाइटल जीत लिया है, 10वां। ठीक है, फेडरर ने 10वां बेसल खिताब जीता। बेसल एक शहर है स्विट्जरलैंड में, तो बेसल ओपन की हम बात कर रहे हैं, रोजर फेडरर ने ये जीता और ये इनका 10th स्विस इंडोर बेसल टाइटल था। गाइस आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आरंभ। तो हमारे देश के जो सिविल सर्वेंट हैं, जो चुने आते हैं, उनका एक 6 दिन का ट्रेनिंग पीरियड जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास हो रहा है, आरंभ इसका नाम है। और देख लीजिए आरंभ फॉर सिविल सर्वेंट एट द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में, और ये 6 डे की ट्रेनिंग होगी। और आपको पता है इनकी ट्रेनिंग का स्टार्टिंग किसने की है,
वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मालपास एड्रेस द प्रोहिबिशनर्स नियर द स्टैच्यू ऑन 27 अक्टूबर। मतलब जो अभी ट्रेनिंग में है, जो आईएएस बनने वाले लोग हैं सिविल सर्वेंट, तो डेविड मालपास ने उनको मतलब संबोधित भी किया, ट्रेनिंग भी दी। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। चलिए गाइस, अब जल्दी से एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिया एंड विच कंट्री हैज इंक्ड प्रोटोकॉल टू स्टार्ट ट्रेड नेगोशिएशन। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा ये भी आपको बताना है। इसका आंसर इक्वाडोर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अंशुल भाई थैंक यू सो मच भाई। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर इक्वाडोर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। Who will sworn in as Deputy Chief Minister of Haryana? तो इसमें से कौन Deputy Chief Minister बना है? Guys, Chief Minister आपको बता है, Deputy की बात कर लेते हैं, ये भी आपको बता ही होगा। इसका आंसर क्या होगा? और आंसर की बात करें तो क्या इसका आंसर होगा देख लेते हैं। And the answer is दुष्यंत चौटाला, ऑप्शन नंबर सी। दुष्यंत चौटाला इज राइट आंसर, वेरी गुड, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इंडिया इज पेट्रोलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम अलॉन्ग विथ विच कंट्री। तो भारत ने पहली बार किस कंट्री के साथ पेट्रोलिंग किया, ये कंट्री जो है ये पेट्रोलिंग कहां पर हुई, अरुणाचल प्रदेश के पास हुई, बॉर्डर पर हुई। तो अब आप लोग समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चाइना की। इधर बीच इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन काफी सुधर नहीं रहे। आप देखिए चाइना के प्रेसिडेंट आए, आपको पता है जो अभी चाइना में नहीं जो इनका 71 वो हुआ था, इवेंट हुआ, सेरेमनी हुई थी, उसमें बकायदा चाइनीज आर्मी ने इंडियन आर्मी को इनवाइट किया था। वहां पे इंडियन आर्मी गई, इंडियन आर्मी नाची गई, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ था। चलिए चाइना इज राइट आंसर। नेक्स्ट, विच अवार्ड मेड एन इनिशिएटिव टू कमेमोरेट ऑल टाइम वर्ल्ड पायनियर्स। तो एक अवार्ड घोषित किया गया है जो कि ऑल टाइम वर्ल्ड पायनियर्स को दिया जाएगा, और यह महात्मा गांधी जी के 150वें जन्मतिथि के मौके पर हुआ है, और इसका आंसर गांधी मंडेला अवार्ड 2019, ऑप्शन नंबर डी। हाँ तिवारी जी, वो तो बिल्कुल सही है, वो तो है ही है। तो गांधी मंडेला अवार्ड 2019, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, विच सिटी स्कूल सिटी मॉन्टेसरी बैग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल फॉर हैविंग 55,547 स्टूडेंट। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ का स्कूल है, और ये लखनऊ के मोहल्ले मोहल्ले स्कूल है, लेकिन स्टैंडर्ड वो फर्जी वाला नहीं। सीएमएस में मेरे बहुत सारे रिलेटिव के बच्चे पढ़ते हैं, मैं गया भी हूं, मैंने यहां पर ट्रेनिंग भी दी है 6 दिन की, जब मैं मतलब समर इंटर्नशिप कर रहा था अपनी। आंसर इज लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which UT will be first in India to be run entirely on renewable energy? Government ने प्लान किया है कि इस यूनियन टेरिटरी को हम पूरी तरह से रिनेबल एनर्जी पर बनाएंगे, और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर लद्दाख है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लद्दाख इज राइट आंसर। गाइज आगे बढ़ते हुए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the theme of the 2019 edition of the Vigilance Awareness Week? तो कल मैंने आपको Vigilance Awareness Week का डे पूछा था, और आज मैं थीम पूछ रहा हूं। तो डे तो आपको लर्न हो गया होगा, और अगर हम बात करते हैं थीम की, तो उसकी थीम क्या है? Integrity a way of life, ऑप्शन नंबर 3। नहीं अर्पण बनर्जी, ऐसा बात नहीं है एग्जैक्टली में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना रशिया पाकिस्तान कॉल फॉर अर्ली रिजम्पशन ऑफ विच कंट्री तालिबान पीस टॉक। तो चाइना रशिया और पाकिस्तान ने यूएसए से बोला कि भैया जल्दी से अफगानिस्तान में तालिबान से पीस वॉक करो, और अपने यहां से जाओ और इंडिया का पूरा खेल बिगाड़ दो। इंडिया खेल यहां पर बिगड़ जाएगा, क्योंकि जैसे ही तालिबान अफगानिस्तान में डिप्लॉय होगा, तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, और इंडिया ने जो जगह बनाई थी अफगानिस्तान के थ्रू, अजरबैजान थ्रू, रशिया थ्रू, यूरोप, इंडिया का वो रास्ता रुक सकता है। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे टू कन्वर्ट 200 सैलून्स इनटू हाउ मेनी टूरिस्ट ट्रेन टू बी रन बाय आईआरसीटीसी। 200 सैलून्स का मतलब क्या होगा? आपने प्लेटफॉर्म पर देखा होगा जो खाली डिब्बे पड़े होते हैं ना, खाली डिब्बे सैलून्स, तो उनको उनसे 200 सैलून से 10 टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएंगी। नेक्स्ट, विच कंपनी बोर्ड ओके 6,500 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन इन टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स में 6,500 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्यूजन होगा, और ये भाई कौन देगा? तो टाटा बोर्ड देगा अप्रूवल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट,
नेक्स्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज आवर शो। एंड गाइज मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो AM लाइव कोड के थ्रू आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारे 3 बैच हो रहे हैं, RRB PO इंटरव्यू का बैच 4 तारीख से, बाकी 2 बैच IBPS PO मेंस और इंश्योरेंस अवेयरनेस का वो 31 से आपका शुरू हो रहा है। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखें। बैंकिंग अवेयरनेस के लिए अभी फिर से मिल रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया अभी तक, बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज मिलते रहे। थैंक यू सो मच, आपका दिन मंगलमय।